स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से सिंपल इलेक्ट्रिकल चैनल में। सो आज हम PSTCL जूनियर इंजीनियर का पेपर सॉल्व करेंगे, रीजनिंग सेक्शन। मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट दोनों पेपर देखेंगे। मैंने भी दिया था पेपर, मॉर्निंग शिफ्ट में था मेरा, तो ये मॉर्निंग शिफ्ट का ही पेपर है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, और ये सब जो रीजनिंग सेक्शन के क्वेश्चन है ये सब आपको मैं ट्रिक्स के साथ बताऊँगा, जिससे आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आने वाले पेपर्स में। PSPCL का भी पेपर पेंडिंग है, PPSC का पेपर पेंडिंग है, तो उनमें भी अगर रीजनिंग सेक्शन आता तो आसानी से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस क्वेश्चंस को कैसे ट्रिक के साथ सॉल्व करना है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, इसमें आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना था। जैसे कि आप देख रहे हैं RTDOIE, इसके नीचे कुछ ना कुछ नंबर दिए गए हैं, आपको इससे मीनिंगफुल वर्ड बनाना था। इसमें सबसे आसान तरीका क्या था कि आप इसको ऑप्शन से खेलते। तो जैसे कि मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ, जो कि हमारा आंसर था थर्ड ऑप्शन। तो सिक्स जैसे दिया हुआ है, सिक्स के नीचे, सिक्स के ऊपर जो अल्फाबेट था वो था ई, थ्री के ऊपर जो अल्फाबेट था वो था डी, ऐसे करके ये जो अल्फाबेट बनना, ये जो लेटर बनना था वो बनना था एडिटर। मतलब एक मीनिंगफुल वर्ड हमारे पास तैयार हो गया। ठीक है, तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारा मीनिंगफुल वर्ड बनाना था, तो मीनिंगफुल वर्ड हमारा क्या था? एडिटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर सिलॉक्स का क्वेश्चन था, और सिलॉक्स मैंने अपनी क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो चलिए जल्दी से इसको भी सॉल्व करते हैं। ऑल पेपर्स आर स्टेशनरी, जैसे कि ये सारे के सारे पेपर्स मैंने स्टेशनरी बना दिए हैं। ठीक है, इसमें हमें स्टेटमेंट्स के बाद, स्टेटमेंट से हमें डायग्राम बनानी होती है, उसके बाद कंक्लूजन से वेरीफाई करना होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बना दिया ऑल पेपर आर स्टेशनरी, तो सारे के सारे पेपर स्टेशनरी हैं। उसके बाद सम स्टेशनरी आर बुक्स, तो कुछ स्टेशनरी का पार्ट बुक्स में मैंने बना दिया है। ठीक है, अब हमें कंक्लूजन को वेरीफाई करना है। सम पेपर आर बुक्स, क्या आपको यहाँ से दिख रहा है कि कुछ पेपर बुक्स हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेपर ये वाली चीज़ है, ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा पेपर का है और बुक्स अलग से हैं, तो पेपर्स और बुक्स का कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा, तो ये ऑप्शन गलत है। सम स्टेशनरी आर पेपर, बिल्कुल सही बात है। देखो, जब हम अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो ऑल वाला रिलेशन फॉलो होता है, और बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो सम और सम नॉट वाला रिलेशन फॉलो होता है। क्लियर? तो उसने पूछा क्या है, सम स्टेशनरी आर पेपर्स, मतलब अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं तो बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो डैट मीन्स सम और सम नॉट वाला रिलेशन फॉलो हो सकता था। तो इधर सम वाला पूछा था, सम स्टेशनरी आर पेपर, तो डैट मीन्स ये ऑप्शन सही था, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड था, देखो ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। सीमा लेफ्ट होम फॉर द बस स्टॉप 10 मिनट्स अर्लियर देन यूजुअल, इट टेक 5 मिनट्स टू रीच द स्टॉप, शी रीच द स्टॉप एट 7:45 AM। वो कह रहा है कि जो सीमा है वो अपने घर से 10 मिनट पहले निकलती है और वो 5 मिनट बाद स्टॉप पर पहुंच जाती है। अब वो स्टॉप पर पहुंचती कितने बजे है? 7:45 AM पर। डैट मीन्स वो 5 मिनट पहले निकली होगी घर से अपने, डैट मीन्स वो निकली होगी 7:40 AM पर। क्लियर? क्योंकि वो बोल रहा है 5 मिनट टू रीच द स्टॉप, अगर वो स्टॉप 7:45 पर पहुंच जाती है तो 7:40 पर निकली होगी, तभी 5 मिनट बाद स्टॉप पर पहुंच रही है। अब वो बोल रहा है कि नॉर्मल से, जो नॉर्मल दिनों में वो निकलती है, उससे आज के दिन वो 10 मिनट पहले निकली है, तो नॉर्मल दिनों में कब कितने बजे निकलती होगी? इसमें 10 मिनट प्लस कर दो, तो हमारा आंसर क्या आना था? 7:50 AM। क्लियर? तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे ये, मेरा ही पेपर आप देख सकते हैं। 7 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन द क्यू फेसिंग टिकट काउंटर। ठीक है, तो इसको जो करने का सबसे सही तरीका क्या होता है, वो बोल रहा है कि टिकट काउंटर के सामने 7 स्टूडेंट्स खड़े हैं, तो डैट मीन्स ये मैं टिकट काउंटर बना लेता हूँ, उसके बाद 7 स्टूडेंट्स खड़े हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। क्लियर? ये 7 स्टूडेंट्स मैंने बना लिए। ठीक है, देखो जो 1 स्टार्ट होगा, 1 पीछे से नहीं स्टार्ट करना, 1 आगे से स्टार्ट करना है, क्योंकि टिकट काउंटर पे जो पहला व्यक्ति खड़ा होगा उसको हमने 1 लेना है। अब वो बोल रहा है देयर जे इज समवेयर अहेड ऑफ एल, मतलब जे एल के आगे होगा, तो हम बना लेते हैं, हमें ये नहीं पता कितना आगे होगा, एक बीच में कोई पर्सन खड़ा है, 2 पर्सन खड़े हैं, कितने पर्सन खड़े हैं कुछ नहीं बता रखा, बस ये बता रखा है कि जे एल से आगे खड़ा है। अब ये भी नहीं कह रखा कि एकदम आगे खड़ा है, ठीक है, क्योंकि इसने वर्ड यूज करा समवेयर, समवेयर का मतलब होता है कहीं भी, आगे कहीं भी, तो
नेक्स्ट, देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन एफ एंड एन, एफ और एन के बीच में एक पर्सन है, ठीक है। तो हमें यह भी नहीं पता एफ आगे है एन से या फिर एन आगे है एफ से, तो हमने यहां साइड पे लिख लिया। एच इज इमीजिएटली बिहाइंड बी, एच बी के इमीजिएटली बिहाइंड है, मतलब बिल्कुल पीछे खड़ा है वो, तो हमने इसको एज इट इज यहां बना लिया। बोथ डी एंड एच, अब हम इसको यहां क्यों नहीं बना रहे, यहां पर क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि मेरे को यह नहीं पता कि कौन सा बंदा कौन सी पोजिशन पर खड़ा है। नेक्स्ट, बोथ डी एंड एच आर अहेड ऑफ एल, तो डी और जो एच है वो भी दोनों कहाँ है, डी और एच दोनों एल के आगे हैं, तो ये हमने बना लिया एल के आगे। एरो से देर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में एक पर्सन है, ठीक है, बी और डी के बीच में एक पर्सन है। एच एंड एफ आर एट फोर्थ एंड फिफ्थ प्लेस, देखो यहां से हमने शुरू करना था, एच एंड एफ आर एट फोर्थ एंड फिफ्थ प्लेस। अब जो पहला लेटर दिया गया वो हमें एच दिया गया, तो एच फोर्थ पर है, और बाद वाला लेटर एफ दिया गया तो एच फिफ्थ पर है, तो एच फोर पर है, यहां हमने एच बना लिया। उसके बाद एफ फिफ्थ पर है तो एफ हमने यहां बना लिया। उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हु इज सेकेंड फ्रॉम द एंड ऑफ द लाइन, हु इज सेकेंड फ्रॉम द एंड ऑफ द लाइन। सबसे पहले हम ये देखते हैं, देखो बी आगे है, बी आगे बैठा है, क्लियर। बी और एच इमीजिएटली बिहाइंड द बी था, एच इज इमीजिएटली बिहाइंड द बी, ठीक है, तो हमने बी बना लिया। और बी और डी में एक एक जना था, ये देखो ये वाला बी और डी में एक जना बैठा है, तो डैट मीन्स अगर बी थर्ड पर है तो डी तो एफ पे आ नहीं सकता, एक जना बीच में एच है, डी कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, डी ऊपर आएगा। अब देखो क्या बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि जो जे जे है वो एल से कहीं ऊपर है और डी और एच एल से ऊपर है, तो डी और एच एल से ऊपर है, डेट मीन्स यहां पर कहीं एल आएगा, ठीक है, यहां पर कहीं एल आएगा, क्योंकि ये एच भी ऊपर हो गया और डी भी ऊपर हो गया। उसके बाद वो एक चीज और बोल रहा है कि एफ और एन में एक जना बैठा, तो एफ और एन में देखो एफ के बाद अगर ये वाली चीज देखते हैं हम, एच के बाद एन आना चाहिए था, बट यहां तो बी आ गया, तो यहां एक बीच में बैठा तो एन यहां पर होगा, और L इन दोनों प्लेस पर आना चाहिए था तो L यहां आएगा, और ऊपर क्या आना चाहिए था, एक बचा हमारे पास J, तो J हमारा यहां पर आएगा, ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात। अब वो पूछ रहा है हु इज सेकंड फ्रॉम द एंड ऑफ द लाइन, एंड कौन सी होगी, ये तो स्टार्टिंग होगी, ये एंड हो गया, तो एंड से सेकंड पर कौन है, एंड से सेकंड पर L है, तो L हमारा आंसर बनना था, क्लियर होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आपको समझ आया होगा, अगर और अच्छे से समझना है तो आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल का पूरा कोर्स, जिसके अंदर रीजनिंग पूरी मैंने अच्छे से कराई है, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया सब कुछ मैंने, ये स्लॉग्स वगैरह कैलेंडर वगैरह जो कि पटवारी के पेपर में भी आया था सब कुछ कराया था मैंने, कैलेंडर का क्वेश्चन शायद इवनिंग शिफ्ट में भी आया था, उसको भी हम देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जल्दी से, ब्लड रिलेशन भी कराया था, देखो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आगे, एस एंड टी एंड आर सिस्टर, तो एस और टी सिस्टर है, तो एस फीमेल को मैं सर्कल से दिखाऊंगा और मेल को स्केयर से दिखाऊंगा, स्केयर या रेक्टेंगल कह सकते हैं, तो एस और टी सिस्टर है, मतलब ये दोनों सिस्टर हैं, तो इसको मैंने ये जो शेप बनाई है इसका मतलब ये है कि ये एक ही पेरेंट्स के हैं, दोनों बहनें हैं, ठीक है। ए इज टी फादर, तो ए यहां पर फादर है इन दोनों का, तो फादर है तो मतलब मेल है, तो मेल को मैंने स्केयर से बनाया, ए इज टी फादर। बी इज ए मदर, बी इज ए मदर मतलब बी जो है ए की माता जी है, तो B is A mother, तो B को भी मैं ऊपर बना दिया। देखो जो हमारा जनरेशन है वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, डैट मीन सबसे बड़े वाला जो व्यक्ति होगा वो ऊपर बैठेगा और सबसे छोटे वाला नीचे, ठीक है, तो ये जनरेशन वाइज चल रहा हूं। सो A की मदर उनके ऊपर बैठाई है क्योंकि A से बड़ी है। अब ये बताना था हाउ इज S रिलेटेड टू B, S कैसे रिलेट कर रहा है बी से, S इज अ, देखो S फीमेल है बता रहा है, गोल सर्कल हमें बता रहा है फीमेल है, और S B से क्या है, बी के सन की बेटी है, तो डैट मीन ग्रैंड डॉटर हुई, ग्रैंड डॉटर हुई, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो क्या, चार मीनार इज इन हैदराबाद, मान लो ये हमारा हैदराबाद है, ये हमारा हैदराबाद है, एच से दिखा दिया, चार मीनार हैदराबाद में है, मतलब चार मीनार सी से दिखा दिया, हैदराबाद में चार मीनार आ रहा है, हैदराबाद किस में है, इंडिया में है, डैट मीन्स ये बाहर, ये बाहर से मैंने इंडिया बना दिया कि हैदराबाद इंडिया में है, आई से दिखा दिया, क्लियर। अब वो ये पूछ रहा कंक्लूजन क्या है कि चार मीनार क्या इंडिया में है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चार मीनार हैदराबाद में है और हैदराबाद में ही हैदराबाद जो है वो इंडिया में है, तो बिल्कुल सही बात है, क्लियर। तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, हालांकि ये आपको वैसे लॉजिकल क्वेश्चन था बट इनको इन्होंने स्लॉक्स बनाकर पूछा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ए एंड जेड आर सिस्टर, ए एंड जेड आर सिस्टर, फिर से ए और जेड सिस्टर है, तो ए भी फीमेल हुई और जेड भी फीमेल हुई, क्लियर। बी एंड टी आर ब्रदर्स, तो बी एंड टी मैंने अलग से बना लिया क्योंकि मेरे को उनका जेड और ए से कोई भी रिलेशन नहीं पता, तो बी एंड टी आर ब्रदर्स, ये भी किसी एक पेरेंट्स के हैं, तो मैंने इनको साइन से दिखा दिया, क्लियर। बी का जो सन है वो जेड का ब्रदर है, बी का जो सन है वो जेड का ब्रदर है, बी का जो सन है, बी का सन मतलब मेल होगा, वो जेड का ब्रदर है, ठीक है। तो जेड का ब्रदर हुआ, तो डैट मीन्स ये ए और जेड जो हुए ये बी की ही डॉटर्स हुई, ये ए और जेड बी की ही डॉटर्स हुई, क्लियर हो गया। अगर बी का सन ए और जेड का ब्रदर, बी का जो सन है जेड का ब्रदर है, तो ए और जेड दोनों आपस में तो वैसे ही सिस्टर हैं, तो ये बी की क्या हुई, डॉटर्स हुई, ठीक है। अब वो पूछ रहा है ए रिलेशन क्या बनेगा टी का, देखो ए के जो फादर है उनका जो ब्रदर है उनसे रिलेशन पूछ रहा है, तो ये जो होगा, देखो ये फीमेल है तो ये बनेगा नाइस, अगर नीस, ठीक है, अगर ये मेल होता तो क्या बनता, नेफ्यू, क्लियर। तो दैट मीन्स ब्रदर की आगे डॉटर क्या लगेगी, नीस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जल्दी से, ब्लड रिलेशन के हमें दो क्वेश्चन ऑलरेडी इस फर्स्ट शिफ्ट में मिल चुके हैं। अब ये जो क्वेश्चन था ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि देर आर थ्री फ्रेंड्स ए बी सी एंड आर दे फ्रॉम द एक्स वाई जेड स्टेट। इसके अंदर ये बोला गया था कि जो एक्स सिटीजन है वो हमेशा सच बोलता है, वाई सिटीजन हमेशा झूठ बोलता है, और जेड सिटीजन झूठ भी बोलता है और सच भी बोलता है, बट कंडीशन क्या है, वो सच पहले बोलता है और बाद में झूठ बोलता है, क्लियर, ये लाइन थी। अब वो ये बोल रहा है कि सी इज फ्रॉम एक्स स्टेट, सी एक्स स्टेट से है, सी एक्स स्टेट से है, ठीक है। जैसे मान लो मैं हूं, मैं ये चीज कह रहा हूं कि जो सी है ना सी एक्स स्टेट से है, बट मैं जो हूं मैं जेड स्टेट से हूं, क्लियर, मैं जेड स्टेट से हूं। अब जेड स्टेट वाला झूठ बोल सकता है, ट्रूथ और लाई लिखा था, ट्रूथ और लाई, झूठ बोल सकता है, चलो इसका तो हमें एक बार यकीन नहीं करते। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि मैं एक्स स्टेट से हूं, मैं एक्स स्टेट से हूं, बट ए भी वाई स्टेट से है, मैं एक्स स्टेट से हूं मतलब मैं जो हूं ना एक्स स्टेट से हूं, मतलब जो एक्स स्टेट के सिटीजन होते हैं वो हमेशा झूठ बोलते हैं, तो मैं एक्स स्टेट से हूं मतलब मैं हमेशा, सॉरी, एक्स स्टेट के हैं जो हमेशा सच बोलते हैं, तो मैं एक्स स्टेट से हूं, तो डेट मीन्स मैं हमेशा सच बोलूंगा। और मैंने ये भी कहा कि ए वाई स्टेट से है, ए वाई स्टेट से है, तो डेट मीन्स ए सच में ही वाई स्टेट से है, तो आंसर क्या होगा, वाई, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जल्दी से, इसको हमें आज कंप्लीट करना है जल्दी से, क्योंकि ट्रिक्स मैंने बोला तो ट्रिक्स डेफिनेटली इसको जल्दी से करेंगे। सेवन फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड द टेबल फेसिंग इनसाइड, तो सेवन फ्रेंड्स का हम पहले सर्कल बना लेते हैं, एक दो तीन चार, अब देखो ये फोर मैंने बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे बना लिए, तो फाइव यहाँ और सिक्स इसके ऑपोजिट, और सेवन आप कहीं पर भी बना सकते थे, अगर एट होता तो हम यहाँ पर कहीं बनाते, ठीक है, इसके ऑपोजिट ही बनाते। चलो ए इज अ नेबर ऑफ सी एंड ई, ए इज अ नेबर ऑफ सी एंड ई, डेट मीन्स ए सी और ई का नेबर है, ठीक है, मतलब ए के आसपास सी और ई बैठ सकते हैं, ये भी हो सकता है कि ए के लेफ्ट पर ई बैठा हो और राइट पर सी बैठा हो, हमें इसका कुछ नहीं पता, तो हमने साइड पर एक बारी लिख लिया। उसके बाद जी इज नॉट द नेबर ऑफ ई एंड एल, जी ई और एल का नेबर नहीं है, मतलब जी ई और एल के पास नहीं बैठता है, तो यहां मैंने एल के आसपास लगा के जी क्रॉस कर दिया, कि इससे मेरे को यह पता लग रहा है कि जी ई और एल का नेबर नहीं है। अगर आप ये अच्छे से पढ़ना चाहते हैं सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह, तो आप मेरा कोर्स ले सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है यूट्यूब पर, ठीक है। जी इज नॉट द नेबर ऑफ ई एंड एल, एन हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, अब यहां से हमें बैठाना था सर्कल के अंदर, इस लाइन से बैठाना था एन हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, मतलब अगर मैं एन को यहां बैठाता हूं तो इसके लेफ्ट, क्योंकि सभी सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, सभी सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो एन हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, मतलब जी यहां पर होगा तभी तो इसके सेकंड लेफ्ट पर एन होगा, एन हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी हैज जे एंड एल एज अ नेबर, ये किसकी बात हो रही है, हैज इसमें किसको दिखा रहा है, एन को बता रहा है, एन के जो नेबर हैं वो जे और एल हैं, और तुम्हें पता है कि यहां पर जे और एल आएगा, ठीक है, जे और एल आएगा, एन के जो नेबर है वो जे और एल, और तुम्हें पता है जी का जो नेबर है वो एल हो नहीं सकता, तो डैट मीन्स ऑब्वियस है कि यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा J और यहां पर आएगा L, तो यहां से हमने स्टार्ट करना था, N से स्टार्ट होना था बनाना। अब वो बोल रहा है कि G का नेबर E नहीं हो सकता, G का नेबर E नहीं हो सकता, तो E यहां पर आएगा, A बीच में आएगा क्योंकि A बीच में है और C यहां पर, सिंपल सा क्वेश्चन था। हु इज सिटिंग बिटवीन द L एंड A, L और A के बीच में कौन बैठ रहा है,
एल और ए के बीच में ई बैठता है, तो बिल्कुल सही आंसर है हमारा। तो ये आपने इसको ऐसे ऐसे बनाना था, क्लियर। तो जल्दी चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में एरर था, एरर कह रहा हूं, ऑब्जेक्शन लगाई थी मैंने, क्योंकि इसका जो सही आंसर बन रहा था वो बन रहा था आंसर नंबर सेकंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका जो आंसर बन रहा था वो बन रहा था ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो मैं सॉल्व करा हुआ ऑलरेडी दिखा सकता हूं। यहां पर एक मिनट, ये देखिए, ये आपको ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर रखा है। इसमें करना क्या था, पहले जो उसने दी हुई थी इनपुट उसका लॉजिक पकड़ के, फिर उसके बाद हमने जो हमें इनपुट उसने स्पेशल दी थी उसके बाद हमने उसको सेट करना था। देखो इसमें लॉजिक क्या था, लॉजिक ये था कि उसने डिक्रीजिंग से मतलब जो हमारा अल्फाबेट था वाई से लेकर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए थे। सबसे बड़े वाला अल्फाबेट ए बी सी डी में से वाई बाद में आता है, ठीक है, तो बाद वाले अल्फाबेट को पहले लगाया था, उसके बाद डिक्रीज करते जा रहे थे, क्लियर। जैसे कि हमने देखे यहां पर सबसे बड़े वाला, जैसे मैंने इसको साइड पे लिख लिया था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया था, बी सबसे पहले आ रहा है, सी उसके बाद आता है, उसके बाद क्या आता है, सी उसके बाद एल उसके बाद ओ, एल यहां से देख लो आप, देखो यहां इस ऑर्डर में लगा था, बी उसके बाद सी, अल्फाबेटिक ए बी सी डी में से एल ओ पी एस वी और वाई, ठीक है। हमें क्या करना था, हमें ये इनपुट दे रखा था, इनपुट के में से सबसे पहले हमने बड़ा वाला अल्फाबेट लेना था, डेट मीन्स वाई, हमने वाई ले लिया, वाई यहाँ से, वाई से हमने यहाँ खत्म कर दिया, तो बाकी का अल्फा जो बाकी की लाइन थी वो एज इट इज उतारनी थी, बिन कोट, देखो जैसे ऊपर आ रही है वैसे ही जा रही है, बिन कोट ले ओ डी ई पेज, और यहाँ से वाई ओ तो हमने आगे ही ले आए थे, तो इसकी जगह आ जाना था सेम और बैन। अब हमारा इनपुट ये बन जाना था, हमने वाई ओ जो पहले स्टेप में किया था उसको तो नहीं छेड़ना था, उसके बाद जो हमने सेकेंड अल्फाबेट आना था हमारा वो आना था वैन, ठीक है। अल्फाबेटिक वाइज वैसे मैंने बताया कि पीछे से आगे की तरफ आना था, तो वाई के बाद वी आना था, वैन लिख देते, बाकी सारी लाइन एज इट इज रिपीट होनी थी, बिन कोट ले ओडीई पेज सिम। अब वैन तो हम आगे ले आए थे, तो वैन दोबारा से रिपीट नहीं होना था, अब इस बार स्टेप टू हमारा इनपुट होना था, वाई ई ओ और वैन को तो एज इट इज रख के उसके बाद हमने सिम को सेलेक्ट करना था, सिम ऐसे करके हमने अल्फाबेट बनाने थे, तो हमारे ये 7 स्टेप बन रहे थे जिसके अंदर पूरे अल्फाबेट मैंने अरेंज कर दिए थे, ठीक है। ये इनपुट आउटपुट रिलेशन होता है, ये इस बार फर्स्ट टाइम देखा गया है इलेक्ट्रिकल के पेपर में ऐसे, जो कि स्टेट का एग्जाम हो, ठीक है। तो कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बिल्कुल आसान था ये, सिर्फ तुमने लॉजिक पकड़ना था। तो हमारा जो स्टेप 6 हमारा आंसर बन रहा था, बट उन्होंने स्टेप 7 को आंसर बना रखा है जो कि गलत है, ठीक है। तो हमारा जो आपने आंसर देख चुके हो, तो इसकी तो ऑब्जेक्शन थी, इसकी मैंने ऑब्जेक्शन लगा दी है ऑलरेडी, और ये गलत भी है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11 पर मूव करते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। 85 डिवाइडेड बाय 4, देखो आपने मल्टीप्लिकेशन वाले रूल्स तो सब पढ़ रखे होंगे, ठीक है। पहले ऑफ करते हैं, ऑफ वाले को करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। तो 85 डिवाइडेड बाय 4, पहले ऑफ वाले को सॉल्व करना था, तो इधर आप एक और ब्रैकेट लगा लेते, 4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एक और अंदर ब्रैकेट है, तो पहले अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, 12 माइनस 13 माइनस 8 माइनस 5 होता है, क्लियर। तो ये हमारी ब्रैकेट होगी क्लोज। उसके बाद 9 डिवाइडेड बाई 3, देखो कईयों ने करा होगा 9 डिवाइडेड बाई 3, जबकि ऐसे था 9 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि डिवाइड पहले होता है मल्टीप्लाई बाद में होता है। तो यहां से 85 डिवाइडेड बाई ये आ जाना था 4 इंटू 17, 4 इंटू 17, उसके बाद माइनस 3 इंटू 2 6 हो जाना था, ठीक है। अब 85 डिवाइडेड बाय, क्योंकि कईयों को यूं लगता है कि डिवाइड में 4 आएगा और मल्टीप्लाई में 17 होगा, जबकि ये पूरी ब्रैकेट ही डिवाइड में आनी थी, माइनस 6, 17 फाइव जा क्या हो जाना था 85, 5 बाय 4, अभी इसका जो आंसर आना था वो एलसीएम लेकर 5 बाय 4 माइनस 6 करते, तो इसका आंसर आ जाना था 24, 5 माइनस 30, 5 माइनस 6 फोर 24, सॉरी, ठीक
ठीक है, यहाँ पर 4 आना था, नीचे 4 आना है क्योंकि 4 एलसीएम आएगा, और यहाँ पर आ जाना था 5 में से 24 माइनस 19 बाई 4। क्लियर? तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है और मेरे को पूरा यकीन है आप समझ गए होंगे किस तरह से इसको करना था। तो डैट मीन्स पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। क्लियर? इसके आगे भी क्वेश्चन है और क्लैरिटी हो जाएगी आपको, टेंशन नहीं लेनी है किसी बात की। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे जल्दी से कैसे सॉल्व करना है। देखो, सुजाता को लॉस होता है 20% का बाय सेलिंग आर्टिकल फॉर 280 रुपीज़। तो हम क्या करते हैं इसमें, बच्चे बहुत क्या करते हैं, पहले 100% लेते हैं, कुछ नहीं करना। पहले लॉस देखो कितने परसेंट का हुआ, 20। 20% को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसको काटेंगे तो हम क्या बनेगा, 5 से काट लें, 5 4 20 और 520, या फिर 1/5 कर लो सीधा अगर 20 का टेबल आता है तो। ठीक है, अब ये देखो जो नीचे वाली चीज होती है वो होती है कॉस्ट प्राइस। अगर उसको लॉस हुआ है तो डेट मीन्स ऊपर वाला लॉस होगा, अगर उसको प्रॉफिट गेन परसेंट होता तो ऊपर वाला प्रॉफिट होता। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस तुम्हें पता, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होगा। अगर लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होगा, डेट मीन्स सेलिंग प्राइस 4 का। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जो उसका सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस था 280 रुपीज, दैट मीन्स 4 की वैल्यू क्या थी, 280 रुपीज। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 280 बाय 4, दैट मीन्स 70 रुपीज। ठीक है, अब वो बोल रहा है टू गेन 12% उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो सबसे पहले 1 की वैल्यू 70 है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 350 रुपीज। 70 × 5 350, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस बन गया, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या आ गया, 350 रुपीज। ठीक है, उसके बाद हमें 12% का गेन चाहिए, तो 12% का गेन इस पे निकाल सकते हो, 112 कर लो, सेलिंग प्राइस निकालना है 112 × 350। ठीक है, तो ये जब आप आंसर निकालोगे तो ये होएगा 392। क्लियर, तो 12% का गेन लेने के लिए 112 गुना डिवाइडेड बाय 100 इंटू 35 करोगे तो 392 आपका आंसर आ जाएगा। 112 क्यों करा, 100% प्लस 12% का गेन चाहिए। ठीक है, ये तो आपकी कॉस्ट प्राइस ही है, ये गेन है आपका 12% का, तो टोटल ओवरऑल ये सेलिंग प्राइस हो गया कि नहीं। क्लियर, क्योंकि सेलिंग प्राइस ही पूछा उसने। क्लियर, तो जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, अ मैन बाय 2 डजन बनानास फॉर 84 रुपीज एंड सेल देम एट 10 बनानास फॉर 45 रुपीज। 2 दर्जन बनाना लेता है, डेट मीन्स 12 बनानास जो लेता है वो कितने के लेता है, एक मिनट, जो 12 बनानास लेता है वो कितने के लेता है, 84 रुपीज के, एक डजन में 6 होते हैं तो 12 84 रुपीज के। ठीक है, उसके बाद 10 बनाना वो सेल कर देता है 45 रुपीज के। ठीक है, ये हमारे कॉस्ट प्राइस वाले आगे और ये हमारे सेलिंग प्राइस वाले आगे। ठीक है, अब इसके पहले बात जो इसमें करना होता है, हमने ये देखना है कि इसकी जो क्वांटिटी है उसको सेम किया जाए। तो सेम करने के लिए इसको 12 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, इसको 6 से, क्योंकि इसको मेरे को 60 बनाना है। तो ये 60 जो बनानास थे उसने कितने में बेचे, 84 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20 8 5 40 420। क्लियर, और अगर नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 बनानास हो गए और ये हो गए 45, 6 5 30 और 6 4 24 270। क्लियर, 270 हो गए, बिल्कुल सही, देख लो हमने कहीं गलती तो नहीं करी। 2 डजन, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, गलती होगी, सॉरी, 1 डजन इक्वल टू 12 बनानास, तो 424, अच्छा 2 डजन है ना, 24 बनानास वो 84 रुपीज के लेता है और 10 बनाना वो सेल करता है 45 रुपीज के। तो सबसे पहले तो क्वांटिटी सेम करो, क्वांटिटी सेम करें कैसे करेंगे, क्वांटिटी सेम करने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली को, क्या बन जाएगा 120, और नीचे वाली को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं ये भी 120 हो जाएगा पूरी इक्वेशन को। 120 बनानास वो कितने में बेचेगा, 84 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 20 8 5 40 420। क्लियर, और यहां से 120 बनानास जब तुम 12 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 450, और उसके बाद आ गया 90, 450 प्लस 90 540। ठीक है, बिल्कुल सही है, देख लो कोई गड़बड़ी तो नहीं है। चलो, उसके बाद हमने क्या करना है, इसका ये देखना था कि गेन परसेंटेज इंटायर ट्रांजैक्शन में कितना था, इंटायर ट्रांजैक्शन में कितना था। तो गेन परसेंटेज आप मेरे को इंटायर ट्रांजैक्शन में जल्दी से बता दो कितना होगा। देखो, ये तो हम हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट पहले निकालेंगे, प्रॉफिट निकलेगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना हुआ प्रॉफिट, 120 रुपए का हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो 120 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 420। तो इसको जब तुम
मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे 28 फोर बाय सेवन, ठीक है। अगर ये भी नहीं आता डिवाइड करना तो फिर नहीं हो सकता, ठीक है। इसको काट लोगे ना, काट लोगे तो चलो अच्छी बात है, काट लोगे तो ठीक है। अब ये तो कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ लॉजिक पकड़ना था। लॉजिक कैसे पकड़ोगे, पहला अल्फाबेट देखो, बी के बाद डी आ रहा है, डेट मीन्स एक अल्फाबेट को छोड़ा, बी सी डी होता है, सी को बीच में ड्रॉप करा इन्होंने, ठीक है। उसके बाद ई को ड्रॉप करा, एफ आया, उसके बाद ई एफ जी को ड्रॉप करा, एच आया, एच के बाद जी एच आई, आई को ड्रॉप करके जे आना चाहिए था। सीधा आंसर हमारा एक ही था जिसमें फ्रंट पे जे दे रखा था। अब अगर मैं बीच वाले का तुम्हें लॉजिक बताऊं, तो बीच वाले जो लेटर जो तुम्हें डिजिट दे रखे थे वो क्या था, वन दे रखा था, वन के बाद एट दे रखा था, एट के बाद 27, 27 के बाद 64, ये कुछ नहीं था, ये क्यूब थे, वन का क्यूब, टू का क्यूब, थ्री का क्यूब और फोर का क्यूब, क्लियर। तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, 15 में देखो क्या है, द नंबर ऑफ बॉयज इन द इंस्टीट्यूट इज 50% मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, इफ 30% ऑफ द बॉयज एंड 45% ऑफ द गर्ल्स आर अडल्ट्स देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन द इंस्टीट्यूट हु आर नॉट अडल्ट। तो परसेंटेज ऑफ बॉयज कितने हैं, वो बोल रहा है कि चलो गर्ल्स हम ले लेते हैं 100%, कितनी गर्ल्स ले ली 100%, ठीक है 100 ले ली, ऐसा करो 100 ही ले लो, परसेंटेज को छोड़ो, परसेंटेज को गोली मारो, 100 ले लो, हाँ गर्ल्स होगी 100, ठीक है। अब बॉयज कितने हो गए, बॉयज वो बोल रहा था 50% मोर है तो बॉयज हो गए 150। उसके बाद वो बोल रहा है अगर 30% ऑफ द बॉयज, 30% इसका निकालोगे तो कितना आएगा 45, 30% ऑफ 150 45, 45 बॉयज, और गर्ल्स कितनी वो बोल रहा है, गर्ल्स बोल रहा है 45%, 45% मतलब 45, ये वो क्या बोल रहे हैं, ये हैं अडल्ट्स, ये हैं अडल्ट्स। उसके बाद बोल रहा है परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट इन द इंस्टीट्यूट हु आर नॉट अडल्ट्स, देखो इंस्टीट्यूट में टोटल कितने थे बॉयज और गर्ल्स मिला के 250, जिसके अंदर से अडल्ट कितने निकले 90, ठीक है, और इसके अंदर से 90 माइनस करोगे तो कितना आएगा 160, 160, ठीक है 160 था, 160 वो बच्चे थे जो कि अडल्ट नहीं थे, ठीक है, क्योंकि हमने टोटल में से अडल्ट माइनस कर दिया तो जो बचे वो अडल्ट नहीं थे। परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज कैसे निकलेगी, जो अडल्ट नहीं थे डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट, तो यहां से 25 चौका 100, ठीक है 16 चौका 64, तो 64 हमारा आंसर आ जाना था, कुछ भी नहीं था, परसेंटेज से खेलना था, क्योंकि जहां पर परसेंटेज दी हुई है वहां पर हमें एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसने क्वेश्चन जो हमें आंसर पूछा था वो परसेंटेज में पूछा था, क्लियर। वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आ रही है तो। असम इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी एंड एस एस जेड द रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक सम को डिवाइड किया गया ए रेशियो बी 2:3 में, ठीक है, और सी और ए के बीच में डिवाइड किया गया किस रेशियो में, उस मनी को किस रेशियो में डिवाइड किया है 4:5 में, क्लियर। तो हम देखो यहां पर एक ए की वैल्यू 2 दे रखी है, यहां पर 5 दे रखी है, तो इसको पहले इक्वल करें, चलो इसको इक्वल करने के लिए क्या करें 5 से मल्टीप्लाई कर दें इसको 2 से, ताकि 10 बन जाए दोनों साइड, तो ये बन गई ए रेशियो बी, कितना बन गया 10:30, क्योंकि उधर दूसरी वाली साइड भी तो मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली सी रेशियो ए कितना बन गया 4:10, ठीक है। तो अब इसको तीनों की ए की रेशियो बना दें, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो गया ए का 10, बी का कितना हो गया 30, सी का कितना हो गया 4, सॉरी 4 2 8 कितना हो गया 8, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में जो डिफरेंस था 30 - 8 कितना होता है 22, 22 की वैल्यू क्या थी 1428, 1428, तो 22 की अगर वैल्यू 1428 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू क्या होगी, एक मिनट कहीं मैंने गलती कर दी, लेट मी चेक, 4:5 10, 4 2 8 10:30, ठीक है। वट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या एक्स की वैल्यू बोल रहा है, टोटल सम की वैल्यू बोल रहा है वो, चलो देखते हैं 30 - 8, सॉरी यहां 15 था क्योंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा था, कहां 15 था यहां पर, बताया क्यों नहीं, चलो ए रेशियो बी, क्योंकि 5 3 15 होगा, 5 3 15 होगा, तो यहां भी क्या आएगा 15 आएगा, 15 आएगा। वीडियो लेंथ ही जा रही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फास्ट करके देख लो। 15 - 8 की वैल्यू क्या होगी,
15 माइनस 8 क्या हो गया, क्योंकि डिफरेंस बोला बी और सी का, 7 की वैल्यू होगी 1428, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू होगी 7 टू 14, बीच में 0 क्योंकि दो डिजिट बाद के हैं, 204। एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स क्या है, टोटल सम है, तो टोटल सम है कितना, 10 प्लस 15 प्लस 8 कितना हो गया, 10 प्लस 25, 25 प्लस 8 कितना हो गया, 23। 23 को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 204 से तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 4692। एक मिनट, 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 8, दैट इज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, अ सम इज डिवाइडेड इनटू, सॉरी यहाँ पर क्या था, 33 था, एक मिनट, यहाँ पर क्या था, 33 था, तो 33 इंटू जब तुम करोगे 204 तो तुम्हारी वैल्यू क्या आएगी, 6732। अगर तुम्हें इसको मल्टीप्लाई करने में डिफिकल्टी आ रही है तो तुम यहां से देख सकते थे 4 इंटू 3, यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था, 4 इंटू 3 12 होता है, तो 2 यूनिट डिजिट आना चाहिए था, कहीं पर भी 2 नहीं है सिर्फ लास्ट ऑप्शन को छोड़कर, तो तुम्हारा ये आंसर बन जाना था। ये सब शॉर्ट ट्रिक मैंने अपने कोर्स के अंदर पूरा डिटेल के अंदर पढ़ाया हुआ है, ये पार्टनरशिप, क्लियर। अभी भी मौका है, अगर आप फ्यूचर में किसी भी पेपर की तैयारी करना चाहते हैं जिसके अंदर रीजनिंग सेक्शन इन्वॉल्व है तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 2782 256। अच्छा इसका लॉजिक क्या था पता लग रहा है, अगर मैं 2 8 16 करूं, 2 8 16 प्लस 1, अगर 17 देखूं तो 2 के टेबल पे 8 16 प्लस 1 जा रहा है 17 से, ये नंबर बड़ा होता जा रहा है, डैट मीन्स कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई का है। अगर यहाँ पर 2 8 16 करता हूँ नहीं बनेगी बात, तो चलो इसको देखते हैं, ये नंबर देखते ही, अगर जिसको क्यूब आते हैं तो ये नंबर देखते ही तुम्हारे तुमको आ जाना था। अगर क्यूब या फिर स्केयर जो भी है पावर 4 ये जो है तुम्हें देखते ही पता लग जाना चाहिए था। देखो 1 की पावर 4 प्लस 1 होना था 2, उसके बाद 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है 16 प्लस 1 होता है 17, उसके बाद 3 की पावर 4 जब करोगे तो क्या आएगा 81 81 प्लस 1 82, उसके बाद 4 की पावर 4 होता है 256 प्लस 1 करोगे तो 257, 5 की पावर 4 प्लस 1 करोगे तो वो होता है 5 की पावर 4 625 626, जो कि हमें चाहिए था ए, उसके बाद 1297, 6 की पावर 4 करोगे तो 1296 होता है प्लस 1 1297 हो जाएगा, उसके बाद 7 की पावर 4 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक मिनट मैं आपको मल्टीप्लाई करके अभी बता देता हूँ, 49 इंटू 49 होता है 2401, तो डैट मीन्स 2402। अब उसने ये पूछा था, ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ए हमें बोला गया था कि 4a माइनस बी करना है, तो 4a माइनस जब बी करोगे तो तुम्हारा आंसर 102 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, 4 को मल्टीप्लाई कर देना 626 के साथ, माइनस 2402 कर देना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब ये भी करके दिखाने लगा तो वीडियो बहुत लेंथी चली जाएगी, एक तो सिस्टम वैसे ही स्लो है, क्लियर। तो चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द वैल्यू ऑफ 7 बाई 10 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 4, तो ये हमें पहले करना है, तो ये मैंने ब्रैकेट में पा लिया, ठीक है, 5 1 5 प्लस 2 7 बाय 5 आता है ना ये करना, माइनस 5 बाय 4 5 बाय 4 इंटू 2 बाय 3, ये भी हमें पहले करना है, तो ये हमने ब्रैकेट में पा लिया, ठीक है, क्योंकि ऑफ वाली टर्म पहले यूज करते हैं, डिवाइडेड बाय 6 4 24 25 बाय 6 प्लस 6 5 30 35 बाय 6, क्या हो रहा आज पेन को, प्लस 6 5 30 35 बाय 6 35 बाय 6, ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय 3 2 6 7 बाय 2, आज थोड़ा काम नहीं कर रहा पेन, पावर पॉइंट पे ठीक काम करता बट फिर 3 2 6 7 बाय 2, क्लियर। तो यहां से आपको ये सॉल्व करना था, इस ब्रैकेट को जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर ये वाला मिल जाएगा, ठीक है, 32 बाय 15, क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अब ये भी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करवाने लग गया, अगर इलेक्ट्रिकल वाला तुम्हें मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करवाने लग गया तो फिर तो बेड़ा पार हो जाएगा तुम्हारा, पर करवाना नहीं, ठीक है, चलो मजाक कर रहा हूँ। रेखा ऑब्टेन 25% मोर मार्क्स देन रेनू, रेनू के मार्क्स ले लो
परसेंटेज में नहीं लेना होता इसमें, 100 रेखा के कितने हो गए, 25% मोर बोल रहा है तो 25% 125 हो गए। शशि के कितने मार्क्स हैं, वो बोल रहा है 40% लेस मार्क्स देन रेखा, 40% लेस मतलब 60% है। अगर 40% कम है तो 60% हुए, 60% ऑफ द 125 कितना हुआ, 60% ऑफ द 125 हुआ हमारे पास 75। ठीक है, समझ आ रही है, मतलब मैंने इसको 100% मान लिया तो वो बोल रहा है 40% लेस, अगर ये 100% है तो ये 60% हुआ, सीधा 60% ऑफ 125 करोगे तो 75 मिलेगा। अब वो बोल रहा है मार्क्स ऑब्टेंड बाय रेनू आर व्हाट परसेंट मोर देन द मार्क्स ऑब्टेंड बाय शशि, रेनू के 100 है, शशि के 75 है, तो रेनू के कितने ज्यादा हैं, 25 ज्यादा है। ठीक है, परसेंटेज में निकालना है तो जिससे कंपेयर करा है उसके मार्क्स को नीचे रखते हैं, किससे कंपेयर करा है, शशि के, तो शशि के मार्क्स नीचे आएंगे, मल्टीप्लाई बाय जाएगा 100, तो ये 25 को जब काटोगे 75 से तो 1/3 होता है ये, मल्टीप्लाई बाय 100, 100/3 होता है 33, 1/3। ये सारी परसेंटेज मैंने अपने कोर्स में फिर से रिवाइज कराई हुई है, 33, 1/3, 12.5, 1/8 होता है, ये सब कुछ रिवाइज कराया हुआ है मैंने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जल्दी से। आप देख सकते हैं ये मेरा ही पेपर है, सभी क्वेश्चन आंसर जो है वो सही है, क्लियर। ट्रेन ए एंड बी आर रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एट 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एंड 71 प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। ए और बी की जो लेंथ है वो है 248 प्लस 352। आपको पता डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल स्पीड इज इक्वल टू टाइम टेकन। ठीक है, बट ये जो है देखो ये किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है और जो हमारी ये जो डिस्टेंस दे रखा है वो मीटर में है, या तो किलोमीटर में होता अदरवाइज हमें ये जो डिस्टेंस या टाइम जो पूछा वो सेकंड्स में पूछा। देखो मीटर पर सेकंड होता है, सुना होगा, और एक होता है किलोमीटर प्रति आर। ठीक है, अब किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो उसको करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई, वो हमारे पास यूनिट क्या आ जाती है, मीटर पर सेकंड। क्लियर, क्लियर हो गया। तो डिस्टेंस कितना, चलो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 248 प्लस 352, क्योंकि ट्रेन जब आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करें चाहे सेम डायरेक्शन में, अगर एक दूसरे को पास होके पास से निकलेंगी तो दोनों के एक तो वो अपने डिस्टेंस को कवर करेगी और एक सामने वाले के डिस्टेंस को भी कवर करेगी, तो दोनों का डिस्टेंस हम, और दूसरी बात अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड होगी प्लस, अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड होगी माइनस, तो ऑपोजिट डायरेक्शन वाली स्पीड होगी प्लस, ये हो गया 135। अब ये किलोमीटर प्रति घंटे है तो इसको करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी, पहले तो यही वाली देखो, 8 प्लस 2 10, 5 और 9 10 और 3/2 तो 6, अब डिवाइडेड बाय 135 मल्टीप्लाई बाय 5, 18 जाएगा ऊपर, जब तुम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तुम्हारे को आंसर मिल जाएगा 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, कुछ भी नहीं था पेपर, बिल्कुल आसान था। तो ये हमारे फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, इतने एफर्ट के लिए इतना तो बनता है। चलो नेक्स्ट हम पेपर, नेक्स्ट पेपर की तरफ मूव करते हैं। तो ये तो पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, चलो नेक्स्ट पेपर इवनिंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर है। ठीक है, ये पेपर मैंने ऑनलाइन निकाल लिया था क्योंकि इवनिंग शिफ्ट का तो मैंने दिया नहीं था। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको भी। ऑल पेन आर पेपर्स, सभी के सभी पेन क्या हैं, पेपर हैं। देखो ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये मैं आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ सेकेंड शिफ्ट को। ठीक है, मेरे को मेरा पेपर तो आता था बट ये जो शिफ्ट का पेपर है ये मैं आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई गलती हो जाए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ऑल पेन आर पेपर, ऑल पेंसिल आर पेपर, पेंसिल भी पेपर के बीच में ही है, तो ये बना दे रहा हूँ छोटी सी पेंसिल। ठीक है, अगर ये नहीं समझ आ रही तो यहाँ देख लो, सभी के सभी पेन क्या हैं, पेपर हैं, ये सभी पीपी वाले थे, अदरवाइज ये बहुत ईजिली सॉल्व हो जाना था। सभी के सभी पेन क्या हैं, पेपर हैं। ठीक है, उसके बाद ऑल पेंसिल आर पेपर, तो पेपर के बीच में ही पेंसिल बैठेगी, ध्यान रखना ये पेंसिल बोल रहा है, इसको मैंने पी तो लिख दिया। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है सम पेपर आर पेन, क्या पेपर कुछ पेन है, बिल्कुल सही बात है, अंदर से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो सम का फॉलो होता है। क्लियर, सम पेंसिल आर पेन, पेंसिल और पेन का कोई रिलेशन दिख रहा है, देखो पेंसिल का गोल चक्रा अलग से बना हुआ है और पेन का अलग से, कभी भी गलती नहीं करनी है कि इसको भी इसके साथ रिलेट करके बनाओ, ऐसा कभी नहीं करना है। तो पेंसिल का अलग से है, पेन का अलग से है, तो डैट मीन्स ये
सही नहीं है। जब तक अलग अलग दे रखे हैं तो हम कैसे बोल देंगे सम पेंसिल आर पेन, तो ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू। इस पे तो मैंने अपर लेवल भी कराया था, नो वाले जो नो वाले क्वेश्चंस होते हैं आइदर और वाले। चलो जी इज अ फादर ऑफ एच, जी क्या है फादर है एच का, तो जी हो गया फादर एच का। क्लियर, अभी एच का हमें जेंडर नहीं पता कि मेल है फीमेल है, गलती मत कर देना। एंड ब्रदर ऑफ जी, एंड किसके लिए यूज किया गया, जी के लिए, तो जी इज अ ब्रदर ऑफ जे, तो जी भी ब्रदर है जे का, तो जे का भी जेंडर नहीं पता हमें, जी ब्रदर है जे का। हूज सन, हूज सन किसके लिए, जे का जो सन है, जे का जो सन है, हूज सन के इज अ ब्रदर ऑफ एल, इज अ ब्रदर ऑफ एल, मतलब जे का कोई और भी होगा जो कि डॉटर भी हो सकता है, और डॉटर भी हो सकती है और सन भी हो सकता है। तो एल का जेंडर नहीं दिया गया, के का जेंडर दिया गया, के इज अ ब्रदर ऑफ एल, एल का नहीं पता हमें, ठीक है। एम इज अ मदर ऑफ एच, एम कहाँ है, मदर है, तो देखो ये जी अगर फादर है तो एम क्या हो गया, मदर, एम को हमने मदर से दिखा दिया, और एम और जी हस्बैंड वाइफ है। एंड डॉटर इन लॉ ऑफ एन, डॉटर इन लॉ किसकी है, एन की है, तो जी के जो पेरेंट्स होंगे उसी की तो हुई डॉटर इन लॉ, तो जी के पेरेंट्स मतलब जो हैं उसमें से एन जो है, एन की डॉटर इन लॉ है एम, ठीक है। तो जो एन है अभी उसका जेंडर भी नहीं पता हमें कि एन जी की मदर है या फादर है, क्लियर। तो विदाउट ऐसे देखे जेंडर नहीं बना देने कि ये मेल है या फीमेल है। अब वो पूछा गया है हाउ के इज रिलेटेड टू ए, के का रिलेशन एन से बताना है, के क्या लगा, के है एन का जो भी डॉटर या सन है उसकी आगे, उसका आगे सन है, तो ग्रैंड सन हुआ, ठीक है, ग्रैंड सन हुआ। अगर वो पूछ लेता हाउ एन इज रिलेटेड टू के, तो क्या आ जाना था इसके अंदर, एक ऑप्शन ऐसे दिया होना था कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि एन का हमें जेंडर ही नहीं पता, एन ग्रैंड मदर भी हो सकती थी, ग्रैंड फादर भी हो सकता था। क्लियर हो गया, तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये फिर से इनपुट आउटपुट का रिलेशन था, इसके अंदर जैसे हम लॉजिक देख पा रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में लगे हैं 15, 17, 35, 41, 52, 65, 76, 97, उसी तरह इसको लगाना था, बट लाइन वाइज लगाना था। अगर आपने इसका आंसर देखना तो मैं आपको आंसर दिखा देता हूं, इसका जो आंसर है ये मैंने ऑब्जेक्शन डाली थी, क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनकी मैंने ऑब्जेक्शन डाली थी, तो ये आप देख सकते हैं आंसर जो है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें ताकि, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ये आ गया यूवी, फिर से सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, सेंटर देखा, जल्दी से एक सर्कल बना दिया। अब कितने जने हैं देखो, गिन लो पहले, तीन तीन छः, एक दो तीन चार, और आमने सामने बनाने हैं, अगर यहां बना रहे हो तो यहां आएगा, अगर यहां बनाते तो यहां आता, क्लियर, छह जने हैं। अब वो बोल रहा है एक्स इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई, अब लेफ्ट है तो जल्दी से बना देते हैं, क्योंकि सब सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, ठीक है, ये माइंड में रखना, आप जब बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो ये माइंड में आपके रह जाएगा कि सेंटर की तरफ है, फिर आपको देखने की भी ये बनाने, जो सेंटर में बनाए इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ जेड, किसकी बात कर रहा है, एंड किसके लिए होता है, जो पहला अल्फाबेट यूज किया गया है, एक्स जो है वो थर्ड है राइट में जेड के, मतलब अगर जेड यहां है तो एक दो और तीन थर्ड राइट पे आ गया एक्स। वाइल यू इज फेसिंग डब्ल्यू, यू डब्ल्यू के सामने बैठा है, देखो यू यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता क्योंकि सामने वाई है, यू यहां पर आएगा या फिर डब्ल्यू यहां पर आएगा, ठीक है, दोनों ही बना दिए एक बार मैंने, क्योंकि आप बेसिक बच्चे हो तो आपको मैं सिखा रहा हूं, अदरवाइज मैं नहीं बनाता क्योंकि पूरी लाइन में पढ़ता। यू इज इमीडिएट राइट ऑफ वाई, यू इमीडिएट राइट ऑफ वाई है तो यहीं से एलिमिनेट होगी, मतलब यू यहां बैठेगा और डब्ल्यू यहां बैठेगा, क्लियर, यू यहां आ गया और डब्ल्यू यहां आ गया, एक अल्फाबेट बच गया, कौन है, वी है, वी के इमीडिएट लेफ्ट पे पूछ रहा है, वी के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है, अगर ये अंदर को देख रहा है तो इमीडिएट लेफ्ट पे जेड है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से, फटाफट इसको फिनिश करते हैं, वीडियो को एंड तक देखना, छोड़ना मत, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलो, अ लोकल आर्ट स्कूल टीचेस डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जितना मर्जी लेंथी हो उतना ही आसान होता है। देखो डिजिटल पेंटिंग दे रखा है, डिजिटल पेंटिंग, उसके बाद दे रखा है ऑयल पेंटिंग,
को फटाफट रीड करना है, उसके बाद पेस्टल पेंटिंग और वाटर कलर पेंटिंग, ये पांच पेंटिंग दे रखे हैं। डेफिनेटली मेरे को देखने से ही पता लग रहा है ये कोई सीटिंग अरेंजमेंट टाइप का होगा, क्योंकि ए बी सी डी आगे भी दे रखे हैं, तो मैंने तो ऐसे कई टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो मेरे को तो देखते ही अंदाजा हो जाता है किस टाइप का होगा। फिर उसके बाद सैंड भी है, उसके बाद सैंड भी है, सैंड पेंटिंग, पांच पेंटिंग है। ए बी सी डी ई टीचर्स हैं जिनको ये क्लासेस असाइन की गई हैं, जो कि फाइव डिफरेंट डेज पर क्लासेस लेते हैं। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से होगा स्टार्ट। देयर इज ओनली वन टीचर फॉर ईच ड्राइंग टाइप एंड ओनली वन ड्राइंग टाइप कैन बी टॉट, मतलब एक टीचर एक ही ड्राइंग पढ़ा की क्लास लेता है और एक ही दिन पर लेता है, उस दिन पर और कोई टीचर नहीं लेता। ऑयल पेंटिंग इज ऑन मंडे, पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से दिन दिए, मंडे से फ्राइडे, ओके। ऑयल पेंटिंग इज ऑन मंडे, मतलब ये मंडे को ली जाती है। वाटर कलर पेंटिंग इज ऑन द लास्ट डे, लास्ट डेट कौन सा होगा, अगर फ्राइडे तक है तो वाटर कलर कौन सी होगी, फ्राइडे को, क्लियर। उसके बाद टीचर बी टीचिस द सैंड पेंटिंग, टीचर बी टीचिस सैंड, अच्छा ए बी सी डी वाले अल्फाबेट नीचे लिखेंगे, ऊपर ये लिखेंगे डेज। उसके बाद टीचर बी टीचिस सैंड पेंटिंग ऑन ट्यूजडे, टीचर सी टीचिस डिजिटल पेंटिंग, टीचर सी टीचिस डिजिटल पेंटिंग, पेस्टल पेंटिंग इज टॉट ऑन थर्सडे, पेस्टल पेंटिंग इज टॉट ऑन थर्सडे, थर्सडे टी एच लिख दिया, अगर वो टी से ट्यूजडे है तो ये टी एच से थर्सडे है। उसके बाद बट नॉट बाय द टीचर ए, अच्छा यहाँ पर टीचर ए नहीं आएगा, क्रॉस मार के लिख दिया, टीचर ही टीचिज ऑन मंडे, टीचर ही टीचिज ऑन मंडे, अगर ए यहाँ नहीं है तो ए यहाँ आएगा, एक अल्फाबेट बच गया, ए बी सी डी आएगा यहाँ पर, क्लियर, क्योंकि ए यहाँ हो नहीं सकता तो ए यहाँ आएगा, एक हमारा वो भी बच गया मंडे ट्यूजडे वेनसडे। अब वाटर कलर की पेंटिंग पूछा था, वाटर कलर की पेंटिंग कौन टीच करता है, ए, समझ आ गया बिल्कुल क्लियर से। वीडियो को दोबारा देख लेना अगर ना समझ आए, बिल्कुल आसान तरीके से समझाया और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, यहां मैं बहुत आसान तरीके से रीजनिंग सेक्शन भी समझा सकता हूं, क्लियर। उसके बाद बोल रहा है आई एम अ बिग स्लाइस वाज मिसिंग फ्रॉम द केक बेक्ड बाय द मदर, इसका मेरे को क्यों लग रहा है कि डाटा इन एजुकेट होना चाहिए। थ्री सिबलिंग वर आस्क्ड अबाउट द सेम एंड गेव द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अर्श आई एम इनोसेंट, फिर बिंदिया बोलती है आई एम इनोसेंट, चित्रा बोल रहा है बिंदिया इज अ गिल्टी वन, हु एट द किंग अमंग द थ्री चिल्ड्रन इफ ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है वो हम कैसे बता सकते हैं, तो ये तो मेरे को थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, चलो इसको लीव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ समझ, If only one of the statement is true, अगर कोई एक statement true है, चित्रा बोल रही है बिंदिया is a guilty one, अगर बिंदिया guilty है, अच्छा ठीक है पकड़ में आ गया, अगर बिंदिया guilty है तो वो बिंदिया बोल रही है innocent हूं मैं, या तो ये झूठा होगा या तो ये झूठा होगा, क्लियर। अगर चित्रा बोल रही है कि बिंदिया गिल्टी है, मतलब उसने केक खाया है, पर बिंदिया तो बोल रही है मैं इनोसेंट हूं, डैट मीन्स या तो चित्रा झूठी है या तो बिंदिया झूठी है, तो दोनों में मतलब पता नहीं लग रहा है कि कौन झूठी है, तो दोनों स्टेटमेंट में आइदर और मतलब आ सकता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट कौन सी बची सही वाली, अर्श, अर्श बोल रहा है कि इनोसेंट हूं, अगर चित्रा बोल रही है बिंदिया गिल्टी है और अर्श बोल रहा है आई एम इन, बिंदिया बोल रही है आई एम इनोसेंट, तो चित्रा ने बोला कि बिंदिया गिल्टी है बट बिंदिया क्या है इनोसेंट, ठीक है। फिर गिल्टी कौन हुआ, अर्श हुआ गिल्टी, गिल्टी अर्श हुआ क्योंकि चित्रा ने तो डिक्लेयर कर दिया बिंदिया गिल्टी है बट बिंदिया बोल रही है इनोसेंट, तो खाया किसने है, अर्श ने, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सेवन पीपल आर सिटिंग इन द रो वॉचिंग अ प्ले, ई इज सिटिंग राइट ऑफ ओ, आर सिटिंग इन अ रो, चलो रो में बैठे हैं, सर्कल में नहीं रो में बैठे हैं, चलो रो फटाफट बना लेते हैं। एक्चुअली इसके अंदर मेरे को अभी भी डाउट हो रहा है, इस क्वेश्चन को ड्रॉप करो, इस क्वेश्चन को ड्रॉप करो, इसके अंदर मेरे को अभी भी डाउट हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं, क्योंकि मैं भी पेपर आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ। सेवन पीपल आर सिटिंग इन अ रो वॉचिंग अ प्ले, ई सिटिंग टू द राइट ऑफ ई, देखो सात पर्सन बैठे हैं, ई सिटिंग टू द राइट ऑफ ई, अब ये नहीं पता है ओ के
किस राइट पर बैठा है, इमीडिएट राइट पर बैठा है, कैसे, तो हमने साइड पे बना लिया। एंड लेफ्ट ऑफ एम, ई की बात हो रही है बट लेफ्ट ऑफ एम, ई इज सिटिंग राइट ऑफ ओ बट लेफ्ट ऑफ एम, मतलब एम के लेफ्ट पर बैठा होगा, एम के लेफ्ट पर बैठा होगा, क्लियर। उसके बाद वो बोल रहा है के इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ एन, के इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ एन, हु इज लेफ्ट ऑफ ओ, एन भी ओ के लेफ्ट में है, क्लियर। क्या इज सिटिंग राइट ऑफ एल, हु इज सेकंड फ्रॉम द राइट, एंड हु किसके लिए यूज किया गया, एल के लिए, मतलब राइट हैंड से, ये राइट हैंड होता है, ये लेफ्ट हैंड होता है, ठीक है, ये लेफ्ट हो गया, लिख देता हूं जो कि बेसिक, जो कि जिनको नहीं पता, ये राइट हैंड हो गया, ठीक है। आप कंटेंट पे ध्यान रखो, ये मत देखो कि ये बहुत गंदा लिखा जा रहा है, क्योंकि वैसे भी मेरी राइटिंग कर्सिव है ना, इसलिए। चलो, L who is second from the right hand, मतलब L यहाँ पर है, तो हम पर्सन बना लेते 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, क्लियर, सात पर्सन बैठ गए। अब देखो क्या हुई, सिटिंग टू द राइट ऑफ L, L के राइट पर क्या बैठा है, एक ही पर्सन है। अब वो बोल रहा है देखो O के दो पर्सन राइट में बैठे हैं, E और M, और O के लेफ्ट में दो पर्सन बैठे हैं, तो O बीच में होगा, जिसके लेफ्ट पे दो पर्सन बैठे हैं के और एन, ठीक है, और राइट में भी दो पर्सन बैठे हैं ई और एम, हो गया कंप्लीट। हु इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 1, 2 and 3, लेफ्ट हैंड से थर्ड पे कौन है, ओ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ गया होगा समझ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो कैलेंडर का क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, कैलेंडर का क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया से दिख रहा होगा। चलो, इफ इट वॉज ट्यूजडे ऑन 25 दिसंबर 2018, मतलब 25 को क्या है, ट्यूजडे है, 26, 27, 28, 29 दिसंबर कितने दिन का होता है, 31, तो ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, ये सैटरडे। आप बोल रहे हो कि सर आप पहली बार सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि मैं क्वेश्चन पहले पढ़ ही जा रहा हूँ। संडे, ये आ गया मंडे, और अगर ये 2018 है तो 1 जनवरी 2019 को क्या होगा, ट्यूजडे, क्लियर, मंगलवार, क्लियर। अब वो पूछ रहा है 1 जनवरी 2021 को क्या होगा, देखो पहली बार समझो, लीप ईयर वाला कंसेप्ट आता है यहां पर। लीप ईयर कौन से होते हैं, जो पूरा का पूरा साल, मतलब 2019, अगर ये 4 से डिवाइड हो जाए तो ये लीप ईयर होगा, बट ये 4 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है, 9। अगर कोई भी लीप ईयर जिस दिन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 जनवरी को लीप ईयर का जौन सा दिन होगा, वही दिन 31 दिसंबर को होगा। मान लो मैं दिखाता हूं, पहले नॉन लीप ईयर में दिखाता हूं, नॉन लीप ईयर में पहले जनवरी को जो दिन होगा, ठीक है, जैसे ट्यूसडे आ रहा था, 31 दिसंबर 2019 को उससे अगला दिन होगा, दैट मींस क्या होगा, वेडनेसडे, क्लियर, वेडनेसडे होगा। नॉन लीप ईयर में जिस दिन से साल स्टार्ट होता है उससे अगले दिन से साल खत्म होता है, क्लियर। तो डेट मींस 1 जनवरी 2020 को क्या आ गया, अगर 31 दिसंबर 2019 को वेडनेसडे था तो 1 जनवरी 2020 को क्या आ गया, थर्सडे, क्योंकि ये नॉन लीप ईयर है, 2019 तो जाता ही नहीं है चार पे। अब अगला आया 2020 इज अ लीप ईयर, क्योंकि 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, 4, 5, 20, 4, 5, 20, क्लियर। तो जिस दिन से ये स्टार्ट होगा उसी दिन पर ये क्या होगा, खत्म होगा, मतलब 31 दिसंबर 2020 को भी थर्सडे होगा। तो 1 जनवरी 2021 को क्या होगा, फ्राइडे। बहुत अच्छा कंसेप्ट था और चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था, जैसे कि आपको मैंने शुरू में बोला था कि ट्रिक से करवाऊंगा, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, चलो वीडियो को दोबारा देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, ऐसे ही मैं ट्रिक्स के साथ इलेक्ट्रिकल का भी लेकर आऊंगा। रवि इज अ सन ऑफ कमल, रवि इज अ सन ऑफ कमल, रवि इज अ सन ऑफ कमल, ठीक है, के, क्योंकि अल्फाबेट सारे अलग अलग हैं, देखो तो मैं के ले रहा हूं, कमल। अच्छा, कमल का जेंडर नहीं है, सुनीता इज कमल सिस्टर, सुनीता इज कमल सिस्टर, पर कमल का जेंडर फेर नहीं दिया। एंड हैज अ सन, सुनीता की ही बात हो रही है, सुनीता कमल की सिस्टर भी है और उसके उसका सन भी है जिसका नाम है म्यंक,
ठीक है, एंड डॉटर जिसका नाम है सपना। अब यहां पर एस दोबारा आ गया तो हम दोबारा से लिख ले रहे हैं सपना। हाउ इज सपना रिलेटेड टू रवि? सपना रवि की क्या लगती है? कजन हुई, कजन हुई, क्योंकि उसकी मदर क्या है? के की सिस्टर। क्लियर? तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, अगर फास्टली देखनी है तो स्पीड बढ़ा लो। क्लियर? तो अब ये देखो, ग्रुप ऑफ लेटर विच आर अरेंज फोर आर द नंबर डिपिक्ट द नंबर सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडा लेटर मीनिंगफुल वर्ड। जैसे पहली शिफ्ट में आया था कुछ नहीं, ऑप्शन से चेक करना था। जैसे मैं इसमें चेक करके बता दे रहा हूँ, थ्री पहले आ रहा है तो थ्री लिख लो, फाइव पहले आ रहा है फाइव लिख लिया, उसके बाद टू आ रहा है टू लिख दिया, उसके बाद सिक्स आ रहा है लिख दिया, उसके बाद फोर आ रहा है, फोर के ऊपर अल्फाबेट कौन सा था? एन। उसके बाद वन आ रहा है, वन के ऊपर अल्फाबेट था डी। तो मीनिंगफुल वर्ड बन गया सेकंड, यही हमारा आंसर होना था। बाकी के ऑप्शन भी चेक कर सकते थे, कोई दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं थी, सिर्फ ऑप्शन से खेलना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कर लोगे अब तो, ये बहुत बार बता दिया, दो बार सॉरी। चलो, ए के बाद बी ड्रॉप करा, बी के बाद सी, उसके बाद डी ड्रॉप करा, डी के बाद ई, ई के बाद एफ ड्रॉप करेंगे, जी आएगा, जी एक में ही है तो टिक करके निकल जाओ। अगर तुमने बीच वाला देखना है तो तीन आठ तेरह और अठारह और उसके बाद तेईस, पांच पांच का गैप दिख रहा है, पांच पांच का गैप दिख रहा है, ठीक है। अठारह आना था, देख रहे हो, पीछे वाला लेटर चेक करने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं चेक करते होते, पेपर फटाफट करना है हमने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लॉजिक फाइंड करना है, एक्स प्लस वाई निकालना है। ओके, अगर मैं इसमें देख के चलूं, इसमें दो का गैप है, माइनस दो हो रहा है, इसमें चार का गैप है, इसमें छः का गैप है, ठीक है, इसमें फिर से माइनस दो, अच्छा रिपीट हो रही है साइकिल, तो इसमें माइनस चार होना चाहिए, इसमें माइनस छः होना चाहिए, इसमें फिर से माइनस दो होना चाहिए। क्लियर? तो चलो पहले देखते हैं, इसमें माइनस दो है तो 59 माइनस फोर क्या होगा? 55 माइनस सिक्स क्या होगा? 49। अच्छा, x प्लस वाई 55 प्लस 49 कितना हो गया? 106। आंसर में है नहीं है, डैट मीन्स हमारा लॉजिक कोई और फॉलो हो रहा है, लॉजिक कोई और फॉलो हो रहा है। चलो और देख, दिमाग लगाते हैं, 73 71 67 61। अच्छा, तो ये क्या आपको प्राइम नंबर नहीं लग रहे? क्योंकि ये किसी भी टेबल पे नहीं जा रहे हैं, 73 भी किसी भी टेबल पे नहीं जाता, तो ये प्राइम नंबर की सीरीज फॉलो हो रही है। ओके, चलो चेक कर लेते हैं, 59 के बाद आने वाला प्राइम नंबर जो कम वैल्यू का होगा वो कौन सा होगा? कम वैल्यू का 53, और 53 के बाद 47, तो 53 प्लस 47 क्या होना था? 100 हमारा क्या आना था? आंसर। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, A sum of 235 is divided between A, B, C and such that A and ratio B 5 ratio 8, C ratio A is 3 ratio 4. फिर से A को सेम करेंगे, कैसे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 20 बन जाए, और इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 20 बन जाए। तो A ratio B ratio C क्या हो गया? देखो 20, C क्या बनेगा? 5 3 is 15 और B कितना बनेगा? 8 4 is 32। अब वो बोल रहा है कि C का जो C और क्या था, द शेयर ऑफ B, अच्छा टोटल सम दिया हुआ है इस बार, 20 प्लस 32 प्लस 15 ये हो गया टोटल सम, कितना हुआ? 7 और 4 5 6 67 की वैल्यू क्या दे रखी है? 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से 1 की वैल्यू निकलेगी, 1 की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 67, ये आ गई 35, 1 की वैल्यू आ गई 35, पूछी किसकी गई है? B की, तो B की 32 मल्टीप्लाई बाय 35, चलो देख लेते हैं, 32 मल्टीप्लाई बाय 35, 1120, बिल्कुल सही आंसर, समझ आ गई। हमें B का शेयर निकालना था, हमें टोटल शेयर दिया गया था, टोटल शेयर को उन्होंने तीन हिस्सों में बांटा है, और टोटल शेयर जो हमने निकाला 20 30 और 15 रेशियो में बांटा गया था, तीनों को प्लस करा तो 67 आया, मतलब 67 की वैल्यू कितनी थी? 2 3 4 5, एक की वैल्यू निकाली 35, बी का शेयर निकालना था तो बी की वैल्यू क्या थी? 32 मल्टीप्लाई बाय 35, क्योंकि एक की वैल्यू अगर 35 है तो 32 की वैल्यू कितनी होगी? 1120। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ ट्रेडर बॉट द 80 केजी ऑफ शुगर एट रुपीज 3500, ही सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 केजी ऑफ शुगर।
अच्छा, द सेलिंग प्राइस इन केजी। अच्छा, 80 केजी की शुगर वो खरीदता है कितने में? 3500 में। डेट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस उसके बाद वो बोल रहा है जो प्रॉफिट है वो किसके इक्वल है, प्रॉफिट है वो हमारा सेलिंग प्राइस के इक्वल है। सेलिंग प्राइस किसकी, 10 केजी की, ठीक है। और पर प्रॉफिट किस पर है फिर, 80 केजी पर, क्योंकि वो प्रॉफिट पूछ रहा है। तो प्रॉफिट किस पर है, ही सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस। अच्छा, प्रॉफिट किसका होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कितने का प्रॉफिट है ये, 80 केजी का प्रॉफिट है, तो 80 केजी का सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहां लिख देता हूं मैं 80 केजी, ठीक है, इज इक्वल टू 10 सेलिंग प्राइस। तो यहां से जीरो से जीरो कट गया, क्योंकि 10 केजी का हमें सेलिंग प्राइस चाहिए था। 8 SP माइनस 8 CP इज इक्वल टू SP। तो यहां से अगर 8 SP माइनस SP होगा, 7 SP इज इक्वल टू 8 CP। क्लियर, 8 CP, CP SP बाय CP की क्या रेशियो आ गई, 8 बाय 7। अब उसने बोल क्या रखा है, जो कॉस्ट प्राइस है वो 3500 रुपये है, ठीक है। डेट मीन्स 7 की वैल्यू कितनी है, क्योंकि सीपी के सामने 7 है, 7 की वैल्यू 3500 रुपये है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू होगी 3500 बाय 7, जो कि कितनी होगी, 500 रुपये। एक मिनट, ठीक है, 500 रुपये। अब 8 की वैल्यू कितनी होगी, 8 की वैल्यू होगी 4000, 8 5 40, 4000। 80 केजी शुगर है, मतलब 80 केजी शुगर उसने कितने में बेची, 4000 में। तो 1 केजी की प्राइस क्या होगी, 1 केजी की प्राइस क्या होगी, 50 रुपीस। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रेनू गेन 30% बाय सेलिंग एट आर्टिकल एट 182 रुपीस टू गेन 140%। टू गेन 140% शी वुड सेल इट एट कितने परसेंट पे सेल करेगा, 30% गेन करता है, सेलिंग प्राइस उसका इतना है। देखो मान लो कॉस्ट प्राइस 100% है, गेन कितना है 30% का, गेन कितना है 30% का, सेलिंग प्राइस कितना होता है, सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, ठीक है। डैट मीन्स 130% का जो वैल्यू है वो है 182, और हमें बोल रहा है कि गेन 40% का होना चाहिए, मतलब 140 की वैल्यू निकालनी है। अगर 130 की वैल्यू 182 रुपये है तो 140 की कितनी होगी, तो 1 की वैल्यू निकालोगे 182 बाय 130, 140 की निकालने के लिए इसको 140 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये तुम्हारी क्या आ जाएगी वैल्यू, जो कि आएगी 196, ठीक है। 13 के टेबल पे जाएगा, ये देखो कट गया, 13 मंजा 13 13 4 52 होता है, 14 4, ये सब टेबल मेरे को याद है, ऑलरेडी याद है, ठीक है, तो आपको भी याद होने चाहिए। तो चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये तो कर ही लोगे आप, ऑफ वाली टर्म पहले आएगी, ठीक है। इनकम कोई भी चीज ना समझ आए, अगर ऑफ वाली टर्म ना समझ आए तो क्वेश्चन में पूछ लेना, सॉरी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इनकम ऑफ ए 28% लेस देन बी एंड इनकम ऑफ सी 25% मोर देन ए। चलो ए की इनकम रख लेते हैं, बी की इनकम रख लेते हैं 100, ठीक है, 100 रुपये इनकम है। ए की इनकम कितनी होगी, 28% लेस, मतलब 28% ऑफ 100, 28 रुपये लेस, डैट मीन्स 72 रुपीस। क्लियर, इनकम ऑफ सी इज 25% मोर देन द इनकम ऑफ ए। ए की 25% मोर, 25% होता है कितना है, 1/4 ही तो होता है, 25% 1/4, ठीक है, 1/4 ऑफ 72 मोर है, मोर 1/4 ऑफ 72 कितना हो गया, 4 1 4 4 8 32, 18 मोर होगी, मतलब 90 होगी, ठीक है, समझ आ गई ना। सी की वो बोल रहा है ए प्लस 25% ऑफ ए, ऐसे वो बोल रहा है, ठीक है। तो 25% ऑफ ए 72 हुआ, 1/4 ऑफ ए 18 हुआ, तो 72 + 18 90 हो गया। वो बोल रहा है बी इज देन व्हाट परसेंट इज इनकम बी मोर देन इनकम सी। बी की इनकम सी से कितनी ज्यादा है, 10। किससे कंपैरिजन किया, जो कंपेयर करते हैं उसको नीचे रखते हैं, ठीक है, इनटू 100, 100 बाय 9 क्या होता है, 11 1 बाय 9, ठीक है, 11.9% होता है अगर वैल्यू याद है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, वीडियो को एंड तक देखना। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 8% एवरी ईयर इफ द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ टाउन 2 years एंड 1 year ago वाज 2400, व्हाट इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन। ओके, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप ही क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखो हमारी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन होती है, ठीक है, अगर हमने 2 year वाली पॉपुलेशन निकालनी है तो क्या करेंगे, पॉपुलेशन
प्रेजेंट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय 1+ कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, 8% से, तो 8/100 लिखेंगे। और कितनी 2 ईयर्स निकालनी है तो 2 कर दो, ठीक है। ये क्या निकल गई, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो वाली, ठीक है। 2 ईयर्स अगो कैसे पता लगा, ठीक है, 8% से इंक्रीज हो रही है तो 1 में हमने 8% को प्लस कर दिया, इसका होल स्केयर कर दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया प्रेजेंट पॉपुलेशन से, तो ये हमारी पॉपुलेशन 2 ईयर अगो होगी। डैट मीन्स एक्स डिवाइडेड बाय 1+8/100 क्या होगा, अगर 8/100 को 4 से काटे तो 4 × 2 = 8, 2/25 हो गया, 1+2/25, क्लियर। इसका स्केयर, ये हमारी होगी 2 ईयर अगो, 2 ईयर अगो वाली पॉपुलेशन, क्यों, क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है 2 ईयर अगो वाली पॉपुलेशन और 1 ईयर अगो में से, ठीक है। अगर 1 ईयर अगो वाली पॉपुलेशन निकालनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट पॉपुलेशन जो कि थी एक्स डिवाइडेड बाय 1+8/100, 1+8/100, इस बार इसका जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि 1 ईयर अगो मतलब 1 टाइम, क्लियर, क्लियर हो गया। चलो मैं इसको यहां पर इरेज करके दिखा दे रहा हूं, होप्स आपने नोट कर लिया होगा, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अब वो बोल रहा है 2 ईयर अगो वाली जो पॉपुलेशन है उसका और 1 ईयर अगो वाली पॉपुलेशन का डिफरेंस जो है वो कितना होगा। चलो ये देखो, ये क्या होगा, x डिवाइडेड बाय 27/25 का होल स्क्वायर, दैट मींस ये क्या हो गया, 25/27 का होल स्क्वायर, ऊपर जाएगी वैल्यू तो उल्ट जाएगी x, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 25/27x, क्लियर। अब वो बोल रहा है 2 ईयर अगो और 1 ईयर अगो में जो डिफरेंस है वो कितना है, वो कितना है, -25/27, इसका x वो कितना डिफरेंस है, 2400 रुपये, कितना है 2400, 25/27x मैंने निकाल लिया कॉमन, यहां पर आ गया 1 - 25/27, ठीक है, ये आ गया 2400, ठीक है। तो जब तुम इसको अब मल्टीप्लाई करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, कैसे, x की वैल्यू निकालनी है, 25x/27 into, अंदर जब LCM लोगे तो 2/27 आएगा, = 24, इसमें x की जब तुम वैल्यू निकालोगे तो तुम्हारे पास ये वैल्यू आएगी। करना क्या था पता लग गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, वैसे तो ये डिवाइड करना होता, अगर 2 ईयर अगो वाली पॉपुलेशन निकालनी है तो डिवाइड करना है, अगर 2 ईयर प्लस वाली पॉपुलेशन निकालनी है मतलब 2 ईयर हेंस जिसको कहते हैं फ्यूचर की, तो उसको प्रेजेंट पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करना है 1+8/100 से। बट हमें अगो वाली पूछी थी, तो यहां पर अगर 1 ईयर है तो 1 ईयर हेंस वाली आ जाएगी, अगर 2 ईयर हेंस निकालनी है तो इसका स्केयर कर दो, 3 ईयर हेंस निकालनी है तो इसका 3 कर दो, तो ये 3 ईयर हेंस, बट हमें अगो वाली पूछी थी तो एक्स से हमने क्या करा था, इसको डिवाइड, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, अ ट्रेन क्रॉसिज अ 306 मीटर लॉन्ग टनल इन 42 सेकेंड, इफ इट स्पीड इज 54 किलोमीटर लेंथ इन मीटर। देखो टनल की लेंथ कितनी है, 306, तो कुछ डिस्टेंस ट्रेन का भी होगा, ट्रेन अपना डिस्टेंस भी तो ट्रेवल करेगी, और 54 किलोमीटर प्रति घंटे है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और टाइम कितना दे रखा है, अभी बताया था ऊपर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड क्या होता है, टाइम, टाइम कितना दे रखा है, 42 सेकंड, मीटर पर सेकंड में लेना क्योंकि ये भी मीटर है ये सेकंड है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18। अच्छा, मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में कन्वर्ट करना हुआ तो क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इसको इधर करना हुआ तो 5/18 से, क्लियर हो गया। अब हमें किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था तो 5/18 से, 18 × 3 = 54, 306 डिवाइडेड बाय 15 प्लस डी = 42, ये जब तुम सॉल्व करके निकालोगे 306 प्लस डी = 42 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना होता है, 42 × 15, 30/2 भी कर सकते हो, वो भी निकल जाएगा 630 माइनस जब तुम 306 करोगे तो तुम्हारे पास डिस्टेंस कितना आ जाना चाहिए, 324, क्लियर। तो यहाँ मैंने दोनों शिफ्टों के रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो मिल सके बेल आइकन को टिक कर लेना, ठीक है, थैंक यू।